कैसन हालत चाची जी? हमरा बुझात नहीं खे। ढेर बना मत, हम सब जानत बानी तू का करत बाड़ू। अरे तू उहे आशा बाड़ू ना जो सुबह उठ के पानी पिए से पहले अपना मांग में सिंदूर डालत रहे। तू उहे आशा बाड़ू ना जेकरा खातिर ओकर सिंदूर ओकरा जिंदगियों से भी ज्यादा कीमती रहे। का भइल ऊ आशा के? आज ऊ आशा अपना मांग में सिंदूर काहे ना डाली? हाँ बोला ना, बोला आशा काहे सिंदूर ना लगेलू। और ता और अबही जब तहार सास ननद तहरा के ताना मरली तब्बो तू मांग में सिंदूर ना धैलू। काहे आशा काहे, बोला। चाची जी दिमाग से निकल गयल रहल। हमरा ई बात की तो बिल्कुल भरोसा नहीं खे कि हमार आशा इतना भुलक्कड़ होगी कि ऊ अपना मांग में सेनूरे डालब भूल जाई। बोला दुल्हन, बोला। तहरा हमार सौगन दुल्हन, बोला। का बात बा? करी चाची जी, हमें पता ही हम तो खाली अपन राम जी हम इस सीता मैया के एक साथ देखे खाते अपन से नूर छोड़ देते। मनु अपना खाई पी पे तनिको ध्यान ना देवेला। का भौजी, का बात बा? इतना सज धज के कहाँ जात बड़ू? सुमन, हमरा के कहूँ बाहर जाए के बा। बाहर? कहाँ बाहर? बाहर से कुछ लियावे के बताई मरती से कहा उलिया दी? ना सुमन, ऐसन कोनो बात नहीं के। वो का बात बा कि हमार माई के तबीयत ठीक नहीं के तो हम माई के देखे जात बानी। सोचनी कि जाए के तनी हालचाल पूछ ली। हाँ हाँ भाई, अब तारा घरे तार माई के ध्यान रखे वाला के उथोड़े बा। चलो कोनो बात नहीं के, अब जाए खातिर तैयार हुईये गइल बाड़ू तो जा, बाकी माई से पूछ लू। हा ना सुमन, बस हम अभी अम्मा जी लगे जात रहले। ठीक बा ठीक बा, माई कहीं बाहर गइल बिया, बिया खाती खरीदारी करे, वही तो हमारा ये खुदे बता दे। तू जा, हमार भौजी लाखों में एक घर पे बिया मुड़ी पा गइल बा, अंका अपन बीमार माई के परल बा। अम्मा की बीमारी तो एगो बहाना बा सुमन, हम तो चंदा के भेंट करे जात बानी। पहले हम गाड़ी लेके अपन नैहर जाए, वही जा उतर के गाड़ी के वापस भेज दे, और फिर केहू के साथे चंदा के घर चल जाए। अरे माधव बाबू, तू ऐजा हमार कमरा के आगे ऐसे काहे खड़ा बाड़ा? बड़की माई तरह से को बात करे के रहा। ई मृतिया बतेले रहस कि तू बाजार सामान खरीदारी करे खाती गर रहलू, तो ऐसे हम तार इंतजार करत रहिए जा। तो कमरा के भीतर जाके बैठे के ना चाहत रहल, ऐसे बाहर काहे? बड़की माई तरह से बिन पूछे हम तार कमरा में नानू जाएंगे यही से। अरे माधव बबुआ, तू हमार छोट बेटा बाड़ा ना, अरे बेटा के आपन माई के कमरे में आवे खाते पूछे का कोनो जरूरत नहीं थे। का बुझाई? हाँ बड़की माई, बड़की माई आवा भीतर आवा। बोला का बात बा? बड़की माई
हम सोचत रहे कि ब्याह के दिन नजदीक आ गल बा तो हमी संग के नगीच के सगा संबंधी लोग के हमी संग के कार्ड बांट देवे के चाहिए। वैसे भौजी के साथ जो हादसा भेल ओकरे कारण तो हम सन ब्याह सदा सुधी करते नहीं सन। तो हम सोचनी कि सगा संबंधी के साथ साथ अगर भौजी के नैहरों के लोग के कार्ड दे देती सन तो कोनो जरूरत नहीं के आशा के नैहर में नियोता भेजे के सगा संबंधी लोग के हमी संग के कार्ड बांट देवे के चाहिए। वैसे भौजी के साथ जो हादसा भेल ओकरे कारण तो हम सन ब्याह सदा सुधी करते नहीं सन। तो हम सोचनी कि सगा संबंधी के साथ साथ अगर भौजी के नैहरों के लोग के कार्ड दे देती सन तो कोनो जरूरत नहीं के आशा के नैहर में नियोता भेजे के। अरे तू सोचा अब है नू लोग का सोचे हैं कि उनकर बेटी के साथे इतना बड़का हादसा हो गया बा और हमने उनकरा के चिढ़ावे खातिर ब्याह में बुला रहल बानी सा। उनका सदमा तो इतना बड़ बा कि वो लोग ठीक से मुस्कुरायो ना पहन सा। बड़की माई वो तो ठीक बा बाकी समय सब घाव भर दी है बबुआ। एक बेरी तहरा ब्याह हो जाए ओकरा कुछ महीना बाद हम सोच रहल बानी कि रामचरितमानस का पाठ करवाए ओ में हम सब जना के बुलाए ओ वक़्त हम खुदे समध्याना जाए के न्योता दे दे ठीक बानो। जी बड़की कुर्ता धोवा दी एक उनको धोवाइए देता नहीं बाऊजी। हाँ तो दीदी के ब्याह में ये कुर्ता पहनिया इतारा ऊपर बहुत अच्छा लगी। हाँ ठीक कह ले हम एकरे का पहना हमरो एक पसंद बा। अरे हमारे बेटी के शादी होता है कोनो मामूली बात बा हमारे बेटी के शादी होता तू भाई हम देखते नहीं। अरे छोटकी चकुराई आशा बहुरानी आई आई अंदर आई। अरे देख तोर आशा दीदी आई आई। आशा दीदी प्रणाम। रवा के ऐसा देख के हमरा के बहुत ही खुशी हो रहल बा। चंदा दीदी और हमार बहुत ही अरमान रहल कि रवा से भेंट कर दी। जब हमने रवा के हवेली गई रहनी ना तारा से मिले के बहुत कोशिश कर ली बाकी हम मिल ना पाई ली। बाकी देखा आज रवा खुदी हमने के घरे आ गई। अरे खड़ा करके बातें करते रहे कि अपना आशा दीदी खाते कुछ चाय पानी ले बे जो पानी ले आओ। हाँ, हाँ, हम पानी ले आते हैं जल्दी रुकी। चंदा कहाँ बड़ी नजर नहीं खे आवत कहा कि मंदिर गेल भी ठकुराई। हम अपना मुंह से अपन बेटी के बड़ाई कैसे करी जहिया से होकर ब्याह रउआ लोग के घर से लागल बा ना तो रउआ लोग के घर के सुख शांति खातिर वो रोज मंदिर जाले प्रार्थना करे खातिर। अब भैया के लिए तुरंत आ जाए आई ना रउआ बैठी आई मंदिर इमरती तनी ठीक से सफाई करिया बहुत पुरान पुरान चीज धरल बा एकरा में। जी ठकुराइन। अरे ठकुराइन ई कुल का हा ई केकर कपड़ा हवे एजा इतना छोट के बा एकरा के एगो खास कारण से बचा के रखनी है इनकरा के संभाल के रख दब। कौना खास कारण बा ठकुराई ई हमार निर्भय के कपड़ा बा जब निर्भय एकदम छोट रहल एकदम बच्चा अब एकरा के हम अपन पोता के पहनाए। बाकी ठकुराई रउआ के पोता कैसे होगी आशा भौजी त हमरा के क्षमा कई दा ठकुराई गलती से हमरा मुंह से ऐसन बात निकल गई। चल हट हमरे सामने से 75 फीट का जुबान हो गए तोहर निकल जा यहां से।
हमेशा अपन औकात से बढ़ के फिजूल का बात करे ली। वैसे माई हमारा तो विश्वास ही नहीं क्या हो कि इतना बरिस बाद भी हमारे बचपन के कपड़ा तू संभाल के रख ले बड़ू। संभाल के काहे न रखती, हमार पोता के न पहने के बालों, बस एक बेरी चंदा के ब्याह हो जाए दा, ओकरा बाद जल्दी हमार अरमान पूरा हो जाए। हे भगवान, वो दिन अब बहुत नगीच बा जब हमार किस्मत बदल जाए। वो दिन के बाद हम पत्नी बन जाए, पतोह बन जाए, देवरानी और ही भौजाई बन जाए। हमरा के इतना सामर्थ्य दा भगवान कि हम इस सब कर्तव्य पूरा सम्मान से निभाएं। कृपा करके हर कदम पर हमरा के मार्ग दिखाई है। वैसे हुई जा आशा दीदी बाड़ी, यदि हमरा के कोनो दिक्कत हो के नु तो हम उनकरा लगे चल जाए, वो हमार जरूर मदद करिहन। आशा दीदी हो जा बाड़ी तो हमरा के कोनो दिक्कत नहीं के। कैसन अजीब बात बा, हमनी के सुख शांति भंग कहके हमनी के खातिर सुख शांति मांग रहल बाड़ी। हमरा तब बुझात नहीं के कि कैसन लेखी बाड़ी। आशा दीदी बाड़ी नहीं जा तो हमरा के ऐसा लगता जैसे ओइजा हमार केहू सगा बा। ऐसा लेखी केहू के सगा ना हो सके, यही से हम चाहते कि हमार माधव बबुआ की जिंदगी से दूर हो जाए। अरे बहनी ए ले प्रसाद, भगवान तोहार सुहाग अमर रखे। ठकुराइन ठकुराइन, ठकुराइन तू एजा का कर रहा बाड़ू? हम चंदा से भेंट करे खातिर आयल रहनी। चंदा से भेंट करे खातिर? हाँ ऐसे ही हम सोचनी कि जाए के तनी देख ली कि ओकरा घरी ब्याह के तैयारी कैसन चल रहल बा। आखिर हमार होए वाली देवरानी बाड़ी नु, यही से सोचनी यदि कोनो जरूरत हो कि तो जाए के मदद कर दी। तैयारी ते तोहरा घर में नु देखे के चाही ठकुराइन, तू ये जा मंदिर में चला, हवेली चला, ना तो ठाकुर साहब के तो तू जाने लू नू। चला जल्दी चला। साचो हमरा तो विश्वास ही नहीं की होत कि आशा दीदी हमरा से भेंट करे खातिर ही जाए रही। हाँ दीदी वो भी अकेले, ऐसा लागत बा कि उनकरा के जरूर तोहरा से कोनो जरूरी बात करे के बा। जैसा मुंगा से कहनी है कि ते मंदिर गेल बड़े, वो उल्टे पांव तोरा से मिले खातिर मंदिर चल गई, एको सेकंड ना रुकले। तब वो काहे ना आईली हमरा से मंदिर में भेंट करे? वो सकला कोनो जरूरी काम याद आ गेल हुई, यही सुबीच रास्ते से हवेली चल गेल हुई हम। राइट चलो कोनो बात नहीं के, ब्याह के बाद तो उनकरा से तोहरा के भेंट हुई है जाई ना दीदी। तब तक ले उतार आशा दीदी से तहार जेठानी बन जाइए बुझाइल। वैसे दीदी एगो बात बताई, तू बहुत ही किस्मत वाली बानू कि आशा दीदी खुद ही हमनी के दुआरी तोहरा से मिले खाती रहनी। उ तहार बहुत ही ध्यान रखी दीदी। लोग पतोह ले आवे ने घर में दिया जलावे खाते, पर हमनी के किस्मत बा हमने पतो ले आईनी है घर में दिया बुझावे खातिर। अरे परम्बो फूट गए हमनी के, अरे तरह के चैन ना पड़ेला कि रोज रोज एको दया ड्रामा करेलो, कभी ई कभी ओ, सब सुख चैन हरा गए हमनी के। वाह वाह रे आदर्शवादी नारी,
तू तो बड़ा संस्कारी हो नू। अब तो ये औरत झूठो बोले के सिग्गल बड़ी माई अपना मातारी के बीमारी का बहाना करके उस चंदा से मिला कर लिया। अब तो खाली चंदा से भेंट करे के चाहत रही। काहे यदि हम चाहती कि तोहार चंदा से भेंट होके तो हम ना ले देते वो दिन तोरा के। पर का कहले रहनी हम कि घर का पतो ऐसे न जावेली जब तक ब्याह ना हो जाए। यदि चंदा से तोरा के कुछो काम रहे तो घनश्याम से बता देवे के ना चाहते। का कर रहे तोरा हम का करी बोल ना। ए एक बात कान खोल के सुन। खबरदार जे आज के बाद अपनी गोर चौकर से बाहर निकल लो ना तो जोना टांग पर खड़ा बड़ी सुनू दोनों गोर काट के फेंक दे। आप आईज वाला कुर्सी पर जिंदगी के भर कभी बिठा दे तो रखे जैसे हम चाचा जी को बैठा ले पानी बुझाइल। अरे सुना तू चंदा से तनी दूरी रहिया का पता तो हर बांझपन का साया ओकरा पर ना पड़ जाए। चला निर्भय पांच औरत कहीं के अब तक आली हमें लेके भलाई चाहत रही।